का जो संविधान है दुनिया में सबसे लिखित संविधान में से एक माना जाता है। इससे बड़ा लिखित संविधान दुनिया में कोई भी नहीं है। 26 जनवरी 1930 ईस्वी में फर्स्ट टाइम रावी नदी के किनारे में झंडा फहराया गया था। वो क्यों फहराया गया था, क्यों 2 मिनट डिले संविधान लागू किया गया था, इसके पीछे भी एक कहानी है। वो कहानी आप लोगों के साथ शेयर। 2 साल 11 महीने 18 दिन टोटल लगा था उसको बनाने में। मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन। वेलकम बैक टू ब्लॉग चैनल, आप सभी का स्वागत करते हैं इस प्यारे से ब्लॉग में। और आज 26 जनवरी है और नज़ारा पहले देख लें मैं कहाँ पे हूँ। आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी का क्या अहमियत है हर इंडियन को पता है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आ चुका हूँ गेटवे ऑफ इंडिया, आज रिपब्लिक डे है तो मैं सोचा चलूँ चलता हूँ गेटवे ऑफ इंडिया और अब वहाँ का व्यू वहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ क्या होता है नहीं होता है 26 जनवरी को। इसलिए मैं आ पहुँचा हूँ इंडिया गेट, इस लोकेशन को कोलाबा कहते हैं। और यहाँ ये लोकेशन पर जो भी विजिट करना चाहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया टूर करना चाहते, उसके लिए सबसे पहले आपको लोकेशन बता देता हूँ। यहाँ सबसे पहले आप कहीं से भी आ रहे हो तो चर्च गेट उतर जाओ, सबसे लास्ट स्टॉप यहाँ का लोकल ट्रेन का चर्च गेट है। वहाँ से उतर के आप बाहर जैसे आओगे वहाँ पे टैक्सी रहती है और बस रहती है, तो टैक्सी पकड़ के भी आ सकते हो यहाँ पे, बस पकड़ के आ सकते हो। चीफ रेट में आप बस पकड़ के यहाँ सीधा आ सकते हो, 6 रुपया मात्र भाड़ा लिया मैं यहाँ पे पहुँच गया। एसी बस रहता है, नॉन एसी भी चलता है। तो यहाँ का ये लोकेशन है और इसके बाद ये गेटवे ऑफ इंडिया है और ये ताज होटल है। ये पुराना ताज है, ये नया ताज है। यहाँ पर काफ़ी धरोहर सब अभी भी संभाल के रखा गया, काफ़ी ब्रिटिश ज़माने का जो वस्तु है और जो भी मकान है बिल्डिंग है अभी भी वह जस का तस पड़ा हुआ है। तो आज 26 जनवरी है तो गेटवे ऑफ इंडिया में काफ़ी भीड़ भाड़ होते हैं हर साल की भांति, इस साल भी है। और यहाँ पे मुझे लगा कि सुबह सुबह ना इवेंट होता है, बट मैं रॉन्ग था, सुबह के नहीं शाम में इवेंट होता है। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि पंडाल उंडाल लग रहा है, अभी तैयारी चल रही है। ये जो होता है ना शाम के 5-6 बजे चालू होगा। अब मैं तो सुबह सुबह पहुँच गया, कोई नहीं मैं शाम का भी आके ब्लॉग बना के आप लोग को डालूंगा, आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो यहाँ पे काफी भीड़ भाड़ है, जो भी घूमने आए हैं ये टूरिस्ट प्लेस में से एक माना जाता है। उसके बाद समुद्र चालू होता है, ये एंड होता है इंडिया का, यहाँ से एंड हो समुद्री इलाका यहाँ से चालू होता है। यहाँ से बोट भी किया जाता है, यहाँ से बोट भी मिलता है। आप राइडिंग करना चाहते हैं, बोट से फेरी लेना चाहते हैं, उसका भी यहाँ पे सुविधा अवेलेबल रहता है। रात को नहीं बोल सकते बस दिन भर अवेलेबल रहता है। तो आज 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। वैसे सबको पता है फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, वो थोड़ा बहुत जान लेते हैं इसके बारे में क्यों आज के दिन ही आज के दिन क्या हुआ था जो इतना धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। तो आज 26 जनवरी रिपब्लिक डे है, 26 जनवरी से ही यहाँ पे संविधान लागू किया गया था। इसके लिए ये दिन बहुत ही हम लोग के लिए खुशी उल्लास का दिन होता है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान को निर्माण किया, उसके देखरेख में संविधान बना गया। उसका टोटल ड्यूरेशन की बात करें कितने दिन में बन के तैयार हो गया, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन टोटल लगा था उसको बनाने में। और ये बन के रेडी हो गया था 26 जनवरी 1949 ईस्वी को, ये बन के रेडी हो गया था, बट इसको 2 महीने बाद इसको लागू किया गया। इसके पीछे भी एक कहानी है, एक रीज़न, वो भी जानेंगे आपको, वो भी बताएंगे आप लोगों के साथ क्यों आखिर 2 महीना डिले लागू किया गया था। जो संविधान है 26 नवंबर 1949 ईस्वी में बन के रेडी हो गया था, उस दिन हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, बट 26 जनवरी 1950 में ये लागू किया गया था। इसके उपलक्ष्य में हम लोग ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो 2 महीना का गेप रखा गया कि 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच में 2 महीना गेप किया गया था। क्यों 2 महीना डिले संविधान लागू किया गया था, इसके पीछे भी एक कहानी है, वो कहानी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि इसके पीछे ये कहानी है। 26 जनवरी 1930 ईस्वी में फर्स्ट टाइम रावी नदी के किनारे में झंडा फहराया गया था। वो क्यों फहराया गया था, वो ये फहराया गया था जो भी उस समय थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लोग सब इंडिया को आज़ाद नहीं कर रहे थे, तो वो ज़बरदस्ती उस दिन रावी नदी के किनारे में 26 जनवरी 1930 में
झंडा फहराया गया था और ये नाम देखे कि आज से हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, हर साल मनाएंगे। उस दिन से हर 1930 से लेके 1949 ईस्वी तक 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के नाम से हम लोग मनाते आ रहे थे। जनवरी 1949 से संविधान बन गया था। अब एक समस्या खड़ा हो गया था, आज ही के इसी साल 26 जनवरी को हम लोग ने स्वाधीनता दिवस मनाया, अब जब संविधान हम लोग लागू करेंगे स्वाधीनता दिवस को छोड़ना पड़ेगा, तो कुछ ऐसा किया जाए कि स्वाधीनता दिवस भी रह जाए और संविधान भी लागू हो जाए, कुछ ऐसा दिमाग लगाना चाहिए। बट सब कोई सोच विचार के फिर बोला कोई दिक्कत नहीं, जब संविधान बन के रेडी हो गया तो उसको डिले कर देते, 2 महीना पोस्टपोन कर देते, 9 दिसंबर छोड़ देते और 26 जनवरी को इसको एक्टिव करेंगे, तो स्वाधीनता दिवस भी बचा रह जाएगा और 26 जनवरी भी हो जाएगा, रिपब्लिक डे भी मनाया जाएगा। तो एक दिन जब एक दिन हम खोएंगे एक दिन, तो हम लोग उसी दिन दोनों चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसीलिए वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू किया गया था और उस दिन से हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। उससे पहले 1950 से पहले उस दिन को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो ये 2 महीना डिले की कहानी थी जो मैं आप लोग के साथ शेयर किया। और संविधान की टोटल वेट की बात करें तो संविधान 13 kg का है। इंडिया जो संविधान है दुनिया में सबसे लिखित संविधान में से एक माना जाता है, इससे बड़ा लिखित संविधान दुनिया में कोई भी नहीं है। संविधान फिर बनाना था तो उसके पीछे ना बहुत सारे लोगों का हाथ है। भीमराव अंबेडकर साहब सबसे महान है कि उसको जो थे जितने बंदे थे उसको कोऑर्डिनेट करके आगे लेके चला। 2 साल 11 महीना 18 दिन पूरा लिखित चला था संविधान, उसमें टोटल मेंबर थे 299 मेंबर थे जो कि ये मिलके संविधान लिखे थे। 299 मेंबर में से 13 संगठन में उसको डिवाइड किया गया था, उसमें जो 13 में सबसे जो प्रमुख संगठन था वो भीमराव अंबेडकर साहब उसको हैंडल करते थे, उसको लीड करते थे। तो टोटल मेंबर 299 थे, उसमें सबसे प्रमुख भीमराव अंबेडकर साहब को माना जाता है। तो उसके देखरेख में उसके ही निगरानी में ये संविधान को लिखा गया था, जहाँ कोई गलती होता था वही सुधार करते थे। तो भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में क्या बोले, वो बहुत महान है, बहुत विद्वान है, उसके बारे में कुछ शब्द बोलना मेरे लिए गलत हो सकता है क्योंकि मैं उसके लायक नहीं हूँ, उस शब्द के लायक नहीं हूँ। मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का समन, ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। तो यही सॉन्ग के बाद ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी अलग वीडियो के साथ। ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताना। और एक बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें जरूर बताइए ब्लॉग कैसा लगा। इवनिंग का जो शो यहाँ होगा शाम में वो भी ब्लॉग आपको देखने को मिल सकता है, मैं हो सकता तो मैं नाइट में भी यहाँ पे आऊँगा स्पेशली ब्लॉग शूट करने के लिए। तो फिर मिलते हैं किसी अनदर ब्लॉग के साथ। आप लोग खुश रहे, मस्त रहे और ऐसे ही इंजॉय करते रहे। तो फिर मिलते हैं किसी अनदर ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।